हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 4, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। यह हृदय स्पंदन की प्रति मिनट की संख्या और ये महिलाओं की संख्या है। एक उपयुक्त चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या है और ये महिलाओं की संख्या है। तो 65 से 68 के बीच में जो प्रति मिनट हृदय स्पंदन की जो संख्या है, उन महिलाओं की संख्या कितनी है? 2 है। इस प्रकार ये आंकड़े दिए गए हैं। इनका हमने क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु एक्स आई, मध्य बिंदु एक्स आई, और इसको हम किससे नोट करते हैं? एफ आई से नोट करते हैं। एक्स आई क्या है? इस वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है और वो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे निकालते हैं? एक्स आई वर्ग की ऊपरी सीमा जमा निम्न सीमा डिवाइड में 2। तो 68 + 65 कितने हो गए हमारे पास? ये 133 हो गए। तो 133 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 66.5 आएगा, यानी 66.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार इनके वर्ग जो माप है वो कितना है? 68 - 65 कितना है? 3 है। तो 3 3 का अंतर है, तो इसमें भी क्या है? 3 3 का अंतर बढ़ता जाएगा। तो आगे कितना आएगा? 69.5। ये हमने मध्य बिंदु ज्ञात कर ली। अब हम इसको पग विचलन विधि से इसका माध्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो मध्य बिंदु के जो मान हैं वो संख्यात्मक रूप से बड़े हैं यानी अधिक हैं। तो इनके एफ आई की एक्स आई से जो मल्टीप्लाई करना क्या है? जटिल है। तो इस प्रकार इसको सरल करने के लिए हम यू आई ज्ञात करते हैं। यू आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइड में एच। ए क्या होता है? कल्पित माध्य होता है जो एक्स आई के मध्य में होता है। तो ये हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो 7 है, 3 ऊपर छोड़ देते हैं, 3 नीचे छोड़ देते हैं। तो ये कितना आ गया हमारे पास? ए आ गया। 1 2 3 ये ऊपर रह गए, 1 2 3 नीचे रह गए, ये बीच में यानी मध्य में आ गया। 75.5 ये क्या है? कल्पित माध्य हमने मान लिया यानी अज्यूम्ड मीन मान लिया। तो ए का मान हमारे पास कितना है? 75.5 है। और एच, एच क्या होता है? वर्ग माप होता है यानी इसकी चौड़ाई होती है। तो 68 - 65 कितना हो गया? 3। ये सभी में समान हैं तो ये कितना आएगा? 3 आ गया। अब हम यू आई का मान निकालते हैं। तो पहला मान क्या है हमारे पास? एक्स आई माइनस ए बाई एच। एक्स आई का मान क्या लेंगे? 66.5। तो 66.5 माइनस ए, ए का मान कितना है? 70.5, 66.5 माइनस 75.5 डिवाइड में एच। एच का मान कितना है? 3। तो ये इसमें से माइनस करेंगे, 66.5 माइनस 75.5 कितना आ जाएगा? -9 डिवाइड में 3 आ जाएगा। तो ये किस पे कट गया? 3। तो ये मान कितना आ गया? -3 आ गया। तो इस प्रकार इसका मान -3 आ गया। तो वैसे इसको हम सिंपल ट्रिक से भी कर सकते हैं। अब इसके आगे क्या है? ये ए है, तो यहाँ क्या आएगा? मान 0 आएगा, क्योंकि 75.5 -75.5 करेंगे तो माइनस 0 डिवाइड में एच यानी 3, तो 0 आ जाए। ऊपर जो मान है वो माइनस में जाते हैं, -1 -2 -3, और 0 के नीचे प्लस में आएंगे यानी 1 2 3 आएंगे। ये आप करके भी देख सकते हो, एग्ज़ाम में आप इनको सीधा लिख सकते हो। अब हम एफ आई यू आई निकालेंगे। एफ आई की यू आई से मल्टीप्लाई, तो एफ आई कितना है? 2। 2 के -3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? -6। 4 के -2 से -8, 3 के -1 से -3, 8 की 0 से 0, 7 की 1 से 7, 4 के 2 से 8,
और 2 की 3 से 6, ये हमने एफ आई यू आई के मल्टीप्लाई निकाले। ये माइनस वाली संख्याएं कितनी हैं हमारे पास, 6 और 8 कितना है 14 और 3 कितना हो गया माइनस 17, तो ये माइनस 17 है और इनका हम योग करते हैं तो ये कितना आएगा 7 प्लस 8 कितना 15 प्लस 6 कितना हो गया 21। तो अब इनका योग करते हैं हम समेशन एफ आई यू आई, तो 21 प्लस का है और माइनस का 17 है, यानी 21 माइनस 17 करें कितना आ जाएगा प्लस का 4। अब हम समेशन ऑफ एफ आई करते हैं, ये वैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये 30 महिलाएं हैं तो आप इनका योग भी करके देख सकते हैं, 2 प्लस 4 कितना 6 प्लस 3 9 प्लस 8 17 प्लस 7 24 प्लस 4 28 प्लस 2 कितना हो गया 30, तो ये 30 महिलाएं दी हुई हैं। पग विचलन विधि के प्रयोग से इसका जो सूत्र है माध्य को हम एक्स बार से नोट करते हैं इज इक्वल टू आएगा ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड में समेशन एफ आई मल्टीप्लाई में एच, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें सारे मान हम रख देते हैं तो एक्स बार इज इक्वल टू ए, ए क्या है 75.5 प्लस समेशन एफ आई यू आई कितना है हमारे पास 4 डिवाइड में समेशन एफ आई 30 इंटू एच, एच क्या वर्ग माप कितना है 3 है हम रख देते हैं तो इसको कैंसिल करेंगे किस पे आ गया 10 पे, तो ये आ गया 75.5 प्लस 0.4 तो ये कितना आ गया 75.9, तो ये माध्य आ गया हमारे पास 75.9 आ गया। अतः महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या 75.9 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आप आज में किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित है, आमों की संख्या 50 से 52 है तो पेटियों की संख्या कितनी है 15 है, 53 से 55 है तो 110 है, तो इस प्रकार ये पेटियों की संख्या और ये आमों की संख्या दी हुई है। ये जो आमों की संख्या दी गई है, ये जो श्रृंखला है, ये जो वर्ग है, वर्ग अंतराल है, ये क्या है समावेशी है। अब इसमें क्या है, यहाँ 50 से 52 है और यहाँ क्या है 53 से 55 है, यानी पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा क्या है बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो इनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बराबर करना पड़ेगा। कैसे, दी गई श्रृंखला समावेशी है जहां वर्ग अंतराल में एक का अंतर है, तो यानी यहाँ क्या है 52 है, नेक्स्ट में क्या है 53 है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है एक है, अतः दी गई श्रृंखला को अपवर्जित श्रृंखला में बदलना है, तो हमने अपवर्जित श्रृंखला में बदलना है तो इसका अंतर क्या है 53 माइनस 52 बटे 2, तो 1 बटा 2 कितना आ गया 0.5, अतः निम्न सीमा, ये जो निम्न सीमा है उसमें 0.5 घटाना और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ना है, तो जोड़ने पर जो आमों की संख्या हमें क्या मिलेगी, तो निम्न सीमा में क्या करना है 0.5 घटाना है, तो वो क्या आ जाएगा 49.5 से 52.5, तो पहले में हमने घटाना है और ऊपरी सीमा में जोड़ना है, तो इस प्रकार ये सभी मान हम लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने इस श्रृंखला को अपवर्जित श्रृंखला में बदल दिया, तो अब ये जो वर्ग की जो ऊपरी सीमा है अगले वर्ग की निम्न सीमा के क्या है बराबर है। अब हम इसका मध्य बिंदु निकालते हैं, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या होता है एक्स आई, वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस
निम्न सीमा, इन दोनों का योग करके हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास 52.5 प्लस 49.5, ये कितना हो गया 102 हो गया। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 51 आएगा। अब इनके जो वर्ग माप है वो कितना अंतर है, तीन तीन का अंतर है। 52.5 माइनस 49.5 को करेंगे तो माइनस करेंगे कितना है 3 आएगा। तो इनमें सभी में वर्ग माप जो है वो कितना 3 है, ये जो मध्य बिंदु है वो तीन तीन बढ़ता जाएगा तो आगे कितना आ जाएगा 54, 57, 60, 63 आ गया। ये हमारे पास मध्य बिंदु आ गया। अब इसमें क्या है, जो मध्य बिंदु है और जो पेटियों की संख्या है ये क्या है, संख्यात्मक रूप से ये मान बड़े हैं तो इसकी जो मल्टीप्लाई है वो जटिल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो हम यू आई ज्ञात करेंगे, तो यू आई क्या है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड में एच, ये होती है। तो हमारे पास ए, ए क्या होता है, इनका मध्य मान, जो मध्य बिंदु का माध्य है, तो हमारे पास जो क्या है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 है तो 2 ऊपर छोड़ दीजिए, 2 नीचे छोड़ दीजिए, तो ये क्या आ गया, अज्यूम्ड मीन आ गया हमारे पास, कल्पित माध्य आ गया। ए का मान हमने 57 ले लिया, तो ए इज इक्वल टू 57 है, और एच क्या है, वर्ग माप है, तो वर्ग माप कितना है इनका 3 है। कैसे, 52.5 माइनस 49.5 करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, तो ये हमारे पास आ गया। तो हमने अब हमने इसके जो ट्रिक मालूम है, जब हमारा कल्पित माध्य होता है उसके मान 0 होता है, ऊपर हम -1, -2 रखते हैं, यहाँ पे 1 और 2 रखते हैं, ये आप निकाल के देख सकते हैं। कैसे, 51 माइनस 57 तो कितना है -6, एच कितना है 3, -6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा -2, तो इस प्रकार ये हम मान निकाल सकते हैं एफ आई यू आई। तो एफ आई जो हमारे पास कितना है 15 है, और यू आई कितना है -2 है, तो 15 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना -30, 110 की -1 से करेंगे तो -110, 135 की 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0, 115 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115, और 25 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब ये पॉजिटिव नंबर का जो सम हो गया वो कितना आ गया प्लस में 165 आ गया, और ये कितना है माइनस है 140 आ गया। अब हम समेशन एफ आई यू आई करेंगे, समेशन एफ आई यू आई इनका योग करेंगे, तो प्लस का 165 है और माइनस का 140 है, तो कितना आ जाएगा प्लस के 25 आ जाएगा। और समेशन ऑफ एफ आई, ये हमारे पास आमों की पेटियों की संख्या, जो आमों की पेटियों की संख्या दी गई है इनका हमने योग करना है, वो क्या, समेशन एफ आई, तो कितना 5 प्लस 5, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, 2, 2 और 1, 3 और 1, 4, 4 और 3, 7 और 1, 8 और 2, 10 कैरी 1, और 1 और 1, 2 और 2, 4, ये हमारे पास 400 आ गया। अब हमने माध्य निकालना है, कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, हम पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें माध्य, माध्य बराबर एक्स बार से हम डिनोट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड में समेशन एफ आई मल्टीप्लाई में एच। तो हम ये सारे मान रख देते हैं, ए का मान कितना है 57, एफ आई यू आई कितना है 25, और डिवाइड समेशन एफ आई 400 और मल्टीप्लाई में कितना है एच 3, तो इसको हम काटेंगे तो ये कितने पे कटेगा 16 पे, तो ये कितना मान आ गया 57 प्लस 3 बाय 16 आ गया, तो ये आ गया 57 प्लस 3 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.1875 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 57.1875, ये जो है इक्वल है 57.19 भी हम इसको लिख सकते। इस प्रकार हमने एक पेटी में रखे गए आमों की माध्य संख्या हमने ज्ञात की। क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ये जो सारणी दी गई है ये मोहल्ले के परिवारों में भोजन का जो दैनिक व्यय है उसको दर्शा रही है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। हमने इसका माध्य ज्ञात करना है। तो दैनिक व्यय रुपयों में दिया हुआ है 100 से लेकर के 150 तक। परिवारों की संख्या कितनी दी गई है? 4। 150 से लेकर के 200 रुपये तक जिनका दैनिक व्यय है ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है? 5 है। इस प्रकार इस सारणी में दैनिक व्यय और परिवारों की संख्या दी हुई है। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्सआई से डिनोट करते हैं। ये क्या है? इस ये जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं इनको ये एक्सआई रिप्रेजेंट करता है। यह एक्सआई इनका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइड में 2। तो 150 प्लस 100, 250 डिवाइड में 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 125। तो अब इसका जो वर्ग माप है वो कितना है? 50 है। तो ये मध्य बिंदु में 50-50 बढ़ता जाएगा। तो आगे हम 50 इसमें ऐड करें कितना आएगा? 175, 225, 275, 325। तो ये मध्य बिंदु के मान आ गए। अब हम क्योंकि यहाँ मध्य बिंदु के जो मान हैं संख्यात्मक रूप से बड़े हैं तो हम इसके जो माध्य निकालेंगे वो पग विचलन विधि से इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा? यू आई। तो यू आई इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स आई माइनस ए डिवाइड में एच। तो ए क्या होता है? इसका कल्पित माध्य होता है 1, 2, 3, 4, 5। तो बीच में जो मध्य में जो मान है ये जो मान है वो हमने कल्पित माध्य यानी अज्यूम्ड मीन मान लिया। और एच ए बराबर हमने माना 225 और एच का मान क्या होता है? वर्ग माप होता है। तो 150 में 100 गए कितने रह जाएंगे? 50। तो एच का मान कितना है? 50 है। ये सभी में समान होना चाहिए तभी हम इसका पग विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं या इसमें एक सारव माप होना चाहिए तभी हम पग विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब इसके हमें मालूम है कि यू आई कैसे निकालते हैं। जिसका ए होता है उसके सामने हम 0, -1, -2, 1, 2 ये कैसे निकालते हैं? ये माइनस टू कैसे आया? 125 - 225 एक्स आई माइनस ए तो कितना हो गया? -100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2। इसी प्रकार ये सभी मान हम निकाल सकते हैं। और ये जो जिसको हम कल्पित माध्य मानते हैं ए उसके सामने 0 लिखते हैं या ऐसे भी लिख सकते हो आप, उसके नीचे 1, 2, 3 आता है, ऊपर -1, 2, 3 आता है। तो जितने स्थान जैसे -1, -2 तक है यहाँ पे 1 और 2 तक है तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। अब हम एफ आई यू आई ज्ञात करते हैं। तो एफ आई कितना है? 4। 4 की -2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा? -8। 5 की -1 से -5। 12 की 0 से 0। 2 की 1 से 2 और 2 की 2 से 4। अब ये हमारे पास कितना हो गया? प्लस के 6 हो गए और ये कितना है? माइनस के 13 है। तब समेशन एफ आई यू आई, तो माइनस का 13 है प्लस का 6 है तो कितना आ गया? माइनस के 7 आ गए। और समेशन ऑफ एफ आई ये हमें दिया हुआ है कि परिवारों की संख्या 25 है। आप इनको योग करके भी देख सकते हैं। तो 4 + 5 9, 9 + 12 21, 21 + 4 कितना आ गया? 25। तो ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो पग विचलन विधि का प्रयोग करके हम इसका माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य क्या होता है? एक्स बार से हम डिनोट करते हैं इसको और ये किसके बराबर होता है? ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड में समेशन एफ आई मल्टीप्लाई में एच होता है। यही विधि सबसे उपयुक्त है माध्यमान निकालने की। ए का मान क्या है? अज्यूम्ड मीन कितना है? 225 प्लस समेशन एफ आई यू आई कितना है? -7 और समेशन एफ आई कितना है? 25 और एच वर्ग माप कितना दे रखा है? 50
एच का मान कितना है 50 ओम रख देते हैं, तो ये हमारे पास किससे कैंसिल हो गया, 2 से, तो ये कितना आ गया 225 माइनस 14 आ गया। तो इस प्रकार 225 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 211 आ जाएगा। आता है भोजन पर हुआ माध्य व्यय रुपीज़ 211 है। ये इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।